राजस्व विभाग के अधिकारी कर्मचारी दे रहे अपराधों को बढ़ावा। झूठे अपराधों में फंसाकर आरोपियों से अधिकारी प्रभारी लेते हैं मोटा चढ़ावा। जबलपुर उच्च न्यायालय के आदेश उपरांत आदेशों की अवमानना करते हुए थाना सिमरिया द्वारा आरोपी को नहीं दी जा रही अग्रिम जमानत। मामला मध्य प्रदेश रीवा जिले के थाना सिमरिया अंतर्गत ग्राम रगौली निवासी वीरभद्र सिंह का है, जिसके ऊपर झूठे तथ्यों पर आधारित तहसीलदार सिमरिया द्वारा फर्जी शिकायत की गई थी एवं जिसे उच्च न्यायालय जबलपुर के द्वारा अग्रिम जमानत देने के आदेश जारी हो गए हैं। बावजूद इसके थाना सिमरिया द्वारा मुचलका जमानत देने पर आनाकानी की जा रही है। आइए सुनाते हैं रोहित पाटिल की इस खास रिपोर्ट में। आज आप लोग एसपी ऑफिस आए हैं, क्या है पूरा मामला? इसमें जो जिले के भीतर जिम्मेदार अधिकारी कर्मचारी हैं वो अपनी जिम्मेदारी से मुकर रहे हैं, भाग रहे हैं, काम नहीं कर रहे हैं। इसके संबंध में एसपी साहब से मिलने के लिए थाना सिमरिया के थाना प्रभारी के खिलाफ हम आए हैं। मामला बड़ा गंभीर है अगर उस दृष्टि से देखा जाए और जिम्मेदारी महसूस की जाए। थाना सिमरिया में एक रिपोर्ट दर्ज हुई, तहसीलदार सिमरिया द्वारा दर्ज कराई गई, जिसमें अपराध क्रमांक 255/2020 दर्ज हुआ। उसमें 353 का मामला पंजीबद्ध किया गया और ये कहा गया कि वीरभद्र सिंह ये निर्वाचित सरपंच हैं, लगातार चार पाँच टर्म से ये सरपंच हो रहे हैं, जनप्रतिनिधि हैं, इनके खिलाफ ये दर्ज मामला दर्ज हुआ कि ये इन्होंने तहसील में घुस करके तहसीलदार साहब मारपीट किया और उनको काम में बाधा डाला। इसमें सरपंच का कहना है और सब जगह हमने एसपी, डीआईजी, आईजी, गृह मंत्री, मुख्यमंत्री, तमाम सबको एक लिखित शिकायत किया कि तहसीलदार ने फर्जी मामला दर्ज कराया है, सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है तहसील में, अगर हमने मारपीट किया है तो उस कैमरे में कैद हुए होंगे, वो रिकॉर्ड निकाल लिए जाएं पुलिस के द्वारा। और हम जिस दिन की घटना बताई जा रही है उस समय हम उत्तर प्रदेश में थे, अपनी बच्ची की शादी की तलाश करने के लिए गए थे, ऐसा सरपंच का कहना था। और वहाँ से तहसीलदार से फ़ोन पर बात किया है तो कॉल डिटेल निकाले जा सकते हैं दोनों फोन के, जिससे ये साबित हो जाएगा कि वीरभद्र सिंह सिमरिया में थे कि नहीं थे। ये करने के लिए पुलिस तैयार नहीं है। तहसीलदार चूंकि एक प्रशासनिक अधिकारी हैं और ये मान करके कि गलत रिपोर्ट नहीं करेंगे, जबकि आज इतना चरित्र पतन हो चुका है कि ये असंभव नहीं है। उन्होंने एक झूठी रिपोर्ट दर्ज कराया, उसको वीरभद्र सिंह फेस कर रहे हैं। इसके बाद ये वीरभद्र सिंह हमारे पास आए, मैं यहाँ अधिवक्ता हूँ और जिला अधिवक्ता संघ रीवा का पूर्व अध्यक्ष हूँ। मैंने इनको सलाह दी कि एसपी साहब से बात करो। एसपी साहब के पास ही आए, वहाँ पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, फिर ये हाई कोर्ट गए। जब इन बातों की कोई सुनवाई नहीं हुई तो हाई कोर्ट ने हमारी बात को समझा और हाई कोर्ट ने जमानत आदेश जारी किया, अग्रिम जमानत आदेश जारी किया वीरभद्र सिंह का। और वीरभद्र सिंह जब को ये निर्देशित किया हाई कोर्ट ने कि आप थाने में जा करके जमानत मुचलका थाने में थाना प्रभारी गिरफ्तार करें, तो इनको जमानत का बनाया हुआ है और ये लगातार ये कांग्रेस पार्टी के नेता हैं और लगातार ये मैंने संघर्ष आम लोगों के लिए, गरीबों के लिए लड़ते हैं हमेशा, और निर्वाचन होगा अगर और सामान्य पंचायत होगी तो इनकी चुनौती है कि सरपंच मैं बनूंगा। थाने जा करके और थाना प्रभारी को आदेश दिया, कॉपी दिया और उन्होंने उसको देखा और ये कहा कि ठीक है आप जाइए, और ये चले आए। अब इनकी ना तो जमानत ले रहे हैं ना मुचलका ले रहे हैं। उनकी साजिश ये है कि वो हाई कोर्ट को लिख करके भेजेंगे कि वीरभद्र सिंह हाई कोर्ट के आदेश का कंप्लायंस नहीं कर रहे हैं। इस बात को समझ में आ गया कि थाना प्रभारी नेक नियति से काम नहीं करना चाहते, जिम्मेदारी से भाग रहे हैं। तब इन्होंने मजिस्ट्रेट कोर्ट में सिरमौर में, जो संबंधित थाने की कोर्ट जहां लगती है उसमें, मजिस्ट्रेट के यहाँ एक आवेदन दिया गया कि थाना प्रभारी को निर्देशित किया जाए कि वो जमानत हाई कोर्ट के आदेश का कंप्लायंस करें। हाई कोर्ट मजिस्ट्रेट कोर्ट ने 14 तारीख को ऑर्डर किया कि इनको विवेचना अधिकारी वीरभद्र सिंह के को जमानत मुचलके पर हाई कोर्ट के आदेश के पालन में छोड़ें और न्यायालय में चलान प्रस्तुत करें। हाई मजिस्ट्रेट कोर्ट के आदेश का भी कंप्लायंस थाना प्रभारी सिमरिया नहीं कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हम तुमको जिला बदर के प्रकरण में जेल भेज कर रहेंगे। और जिला बदर का प्रकरण क्या है? इनके खिलाफ उन्हीं आपराधिक मामलों के संबंध में
पिछले टर्म में पिछले साल जिला बदर की कार्यवाही की गई। कलेक्टर ने उसको देखा, पूरे रिकॉर्ड पेश हुए, कलेक्टर ने उसको खारिज कर दिया और ये कहा कि जिला बदर की कोई आवश्यकता नहीं। उन्हीं अपराधों के तहत उन्हीं जो निर्णीत मामले हैं उन्हीं को सारे सूची बना करके फिर से जिला बदर की कार्यवाही की घोषणा उस कलेक्टर के यहाँ पेश कर दिया थाना प्रभारी ने। उसमें नोटिस जारी हुई। वीरभद्र सिंह का कहना है कि साहब हमारे खिलाफ तो पिछली बार भी इन्हीं अपराधों पर हुआ था, तो इस बार थाना प्रभारी ने जो गड़बड़ किया, अब इतना निश्चिंत है थाना प्रभारी कि कलेक्टर को भी गलत जानकारी देने में, एसपी को गलत जानकारी देने में उनको कोई संकोच नहीं हो रहा। क्या नाम है थाना प्रभारी का? बीडी पांडे। अब थाना एसपी साहब को उन्होंने सूचना दिया कि वीरभद्र सिंह के खिलाफ थाना सेमरिया में राजकुमार सिंह की रिपोर्ट पर 302 का मामला दर्ज है, जबकि वीरभद्र सिंह के खिलाफ आज तक 302 का मामला न सेमरिया में न जिले के किसी थाने में दर्ज हुआ, ना कोई प्रकरण चला, ना उस नाम का कोई आदमी उस गांव में है सेमरिया में जिसको फरियादी बताया जा रहा। यह स्थिति है और यह केवल मामले को गंभीर बनाने के लिए, जिला बदर के मामले को गंभीर बनाने के लिए कि 302 का दुर्दांत अपराधी है यह साबित करने के लिए वो फर्जी लिखा गया नोटिस। वीरभद्र सिंह निवासी ग्राम पूर्व सरपंच है इस समय।